शोर शराबा क्या मचा रखा है? हाँ मालूम है, तेरे लक्षण ठीक नहीं है, पर कम से कम जब मेहमान आसपास हो तब तो ठीक से रहा करो। वो ये क्या, खाली पानी का ग्लास लेकर आई? कुछ भजिया वजिया उतार नहीं सकती थी? ना ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आज मेरा एकादशी का व्रत है। एक बात तो बताइए उर्मिला बेन जी, आपकी दिकरी व्रत या उपवास रखती है या नहीं? रखती है ना, शिव जी के लिए सोमवार का, हनुमान जी के लिए मंगलवार का, साई बाबा के लिए गुरुवार का और संतोषी माँ के लिए शुक्रवार का उपवास रखती है। राशि बेटी कहाँ है? आइए ना, आइए। ठाकुर जी, मुझे ऐसा ससुराल देना जहाँ मेरी माँ समान सास हो और मैं अपनी सास की उसी तरह सेवा कर सकूं जैसे आपकी करती हूँ। यही तो है मेरी बेटी राशि। गोपी, जरा राशि को लेकर आ। जी मम्मी। आइए ना, आइए। बैसो ने, बैसो। मेरी दिकरी राशि, बेटा ये कोकिला बहन है। ठीक है, बैठो। ये लीजिए। ये क्या है? नारियल की बर्फी है, राशि ने बनाई है। मिठाई है? इसमें तो मिठास ही नहीं है।
मुझे अपनी बहू पसंद है। रिश्ता पक्का। बहू चुन ली है। कोकिला भाई, ये क्या कर रही हैं आप? लड़की वो नहीं, ये है। चुप पंडित। उर्मिला बेन जी, जानो छोने हूँ कौन छु। कोकिला बेन पराग मोदी। मुझे इतनी आसानी से आप धोखा नहीं दे सकती, बेवकूफ नहीं बना सकती आप। मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपको बेवकूफ बना सकूं? हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ओह, गलत फहमी तो अभी दूर कर देते हैं। यूं? ये क्या है उर्मिला बेन? इसे धोखा देना और बेवकूफ बनाना नहीं कहते क्या? मैंने कहा था ना कि मुझे कैसी बहू चाहिए। क्यों पंडित, तूने बताया नहीं था इनको? जब उर्मिला बेन आपको पता था तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? ऐसी आंखों में धूल झोंकने वाली छोकरी कोकिला बेन की बहू कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। जीतू भाई, चांदले की तैयारी कीजिए। जी। चल पंडित। Thank you.
जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। मैं जानती थी ये गोपी कभी ना कभी मेरे रास्ते का कांटा जरूर बनेगी। काशी बेटा।